Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to discuss about BP805ET Pharmacovigilance Unit 3 Part 1, that is Vaccine Safety Surveillance. So, let's begin. तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस क्या होता है. अकॉर्डिंग टू सीओम्स और WHO वर्किंग ग्रुप, ये होता है एक साइंस और एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड होती हैं टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेशन ऑफ एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन और बाकी वैक्सीन या इम्यून रिलेटेड इशूज़, और प्रिवेंट करने के लिए अनटोवर्ड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन. यानी कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं डिटेक्ट करने के लिए, एसेस करने के लिए, समझने के लिए, और कम्युनिकेशन किसकी एडवर्स इवेंट जो इम्यूनाइजेशन के बाद होते हैं, और कोई वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड इशू या हमें कोई वैक्सीनेशन का इफेक्ट ना आए. देन इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डिक्रीज करना इन डिजीज़ रिस्क एंड इंक्रीज अटेंशन पब्लिक कॉन्फिडेंस. देन क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, डिक्रीज़ करना पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, प्रमोट करना सेफ यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन फॉर कंज्यूमर्स, डिटेक्ट एडवर्स इवेंट अर्ली, मेक श्योर हेल्दी पीपल रिसीव वैक्सीनेशन, एंश्योर चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट्स गेट वैक्सीनेटेड. तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम डिटेक्ट करते हैं सिग्नल को जो सजेस्ट करता है कि जो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो है वो रिलेटेड है वैक्सीनेशन से. देन हम उसके बारे में एक हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं कि कॉजल एसोसिएशन वैक्सीनेशन और AEFI यानी कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के बीच में. देन हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं एक अप्रोप्रिएट एपिडेमियोलॉजिकल मेथड से. देन आते हैं वैक्सीनेशन बाय द गवर्नमेंट. कुछ वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूरिस, टेटनस यानी कि DPT भी कहते हैं ये 2 मंथ्स की एज पे, हेपेटाइटिस बी 0 से 2 मंथ्स एंड 1 to 4 मंथ्स, पोलियो, मीजल्स, BCG, HIV, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा, इन सब की भी वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है AEFI यानी कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. ये क्या होता है, एक मेडिकल इंसिडेंट होता है जो कंसर्न कॉज करता है, और ये होता है आफ्टर इम्यूनाइजेशन. और ये किस वजह से हो सकता है, वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन हो सकता है, वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट हो सकता है रिएक्शन. देन इम्यूनाइजेशन एरर रिएक्शन, इम्यूनाइजेशन एनजाइटी रिलेटेड रिएक्शन, या फिर कोइंसिडेंटल रिएक्शन. यानी कि ये प्रोडक्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, उसकी क्वालिटी के रिलेटेड हो सकता है, इम्यूनाइजेशन एरर यानी कि लगाने में हमने कोई गलती कर दी उसमें हो सकता है, एनजाइटी की वजह से हो सकता है इम्यूनाइजेशन के टाइम पे, या फिर कोइंसिडेंट की टाइप हो सकता है इस वजह से. देन इसके टाइप्स या क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं माइनर, सीवियर और सीरियस. तो माइनर वाला जो होता है ये लोकल और सिस्टमिक रिएक्शंस या सिम्टम्स होते हैं, और ये विद इन फ्यू आवर्स ही आ जाते हैं. लोकल यानी कि जो हमारे ऑन साइट होते हैं, जैसे कि पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, और सिस्टमिक होती है कि फीवर हो सकता है, मसल पेन हो सकती है. देन सीरियस वाला जो होता है ये हॉस्पिटलाइजेशन कॉज कर सकता है, सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी कॉज कर सकता है, और इवन डेथ. और जो सीवियर है ये इतना माइनर नहीं होता, लेकिन ये कॉज करता है सीवियर रिएक्शंस और डेथ भी कर सकता है, और ये रेयरली लाइफ थ्रेटनिंग होता है. देन इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके अर्जेंट प्रॉब्लम को, ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सके और एक्शन ले सके. देन डिटेक्ट कर सके हम सिग्नल को, ताकि हम पोटेंशियली फॉलोअप कर सके और रिसर्च कर सके, एस्टिमेट कर सके रेट्स ऑफ सीरियस रिएक्शन को, और डिटरमाइन कर सके रिस्क और बेनिफिट ऑफ इम्यूनाइजेशन. देन इसके कंपोनेंट्स होते हैं डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, कॉजलिटी असेसमेंट ऑफ AEFI एंड रिस्क बेनिफिट असेसमेंट. तो सबसे पहले हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि क्या हो रहा है, फिर उसे रिपोर्ट करेंगे, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, देन उसकी असेसमेंट करेंगे कॉज को, और फिर रिस्क और बेनिफिट का एसेस करेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है वैक्सीन फेलियर.
ये क्या होता है, जब डिजीज़ होता है डिस्पाइट बीइंग वैक्सीनेटेड, यानी कि हमने वैक्सीन तो लगवाई थी डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए, लेकिन तब भी डिजीज़ हमको हो रहा है, तो ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, जो पर्सन है वो अनेबल है प्रोड्यूस करने के लिए एंटीबॉडी या NF एंटीबॉडी जो उसे चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीज़, और जो सेकेंडरी है वो उसमें क्या होता है कि वो स्टॉप कर देता है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीन, और जो लेवल होता है वो डिक्रीज होता है फास्टर रेट पे देन नॉर्मली एक्सपेक्टेड, यानी कि वो स्टार्टिंग में तो रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन धीरे धीरे ओवर मंथ्स और ईयर जो वैक्सीन है उसका इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता रहता है। देन वैक्सीन फेलियर के कॉजेज क्या होते हैं कि लैक ऑफ मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम से लेकर वैक्सीनेशन तक के टाइम तक पुअर स्टोरेज, हमने अच्छे से स्टोर नहीं किया, अनसुटेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट किया उसे, या ऐसे ग्लास का था उसको हमने ढंग से नहीं रखा तो वो टूट गई बॉटल्स, डायरेक्ट यूवी एक्सपोजर, कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो यूवी के एक्सपोजर में आके उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं तो हमने उसको लाइट में रख दिया, पुअर वैक्सीनेशन कंडीशन, कंडीशन सही नहीं थी, रॉन्ग टेक्निक, गलत टेक्निक से लगाया, पुअर हेल्थ स्टेटस, प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़, एजिंग की वजह से, इम्यून सप्रेशन की वजह से। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.